नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जैसे कि जो है किसी भी लाभार्थी को जो है माइग्रेट करने में जो है आप लोग को जो है सबसे पहले क्या क्या करनी होगी इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी लाभार्थी को अगर आप लोग माइग्रेट करते हैं तो आप लोग को आधार वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे आभा आईडी आप लोग को आई है, आभा आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आभा आईडी आप लोग को क्रिएट होनी चाहिए। जैसे कि इस लाभार्थी पे हम लोग क्लिक करते हैं तो आभा आईडी भी क्लियर है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे आभा आईडी है, यहाँ पे आभा आईडी होगा। उसके बाद आप लोग को एक न्यू अपडेट अभी आई है एक दिन पहले। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है। खुलने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे जो है व्यू प्रोफाइल इन RCH ये आप लोग को अपडेट एक आई है, ठीक है। ये सब आप लोग को जो है होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए कि आप लोग को अगर RCH फाइल अगर आप लोग क्रिएट नहीं भी रहेगा फिर भी आप लोग माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट करने के लिए आप लोग को क्या करनी होगी, यहाँ पे जो है थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है आप लोग को खुल के आ जाती है। आने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे जो है डिलीवरी डेट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिलीवरी डेट है तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी डेट यहाँ पे जो है डाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग सबमिट मारेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हम लोग माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे जैसे माइग्रेट करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को ये लाभार्थी माइग्रेट हो जाएगी, यानी कि जो है ओके एक बार कर देनी है आप लोग को। ये लाभार्थी जो है आप लोग को माइग्रेट हो जाएगी। माइग्रेट होने के बाद आप लोग को जो है ये लैक्टेटिंग मदर में चली जाएगी, प्रेग्नेंट वोमेन। उसके बाद एक चिल्ड्रेन का जो है फाइल खुल के आएगी। आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को चिल्ड्रेन का है यानी कि 0 से 6 माह वाले बच्चे का जो है रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है बच्चा का नाम आप लोग को डालनी होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चा का आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जो है यस कर देंगे। करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी का हो या इनका पिताजी का आधार नंबर आप लोग डाल सकते हैं। तो आइए इनका मदर का नहीं डाल के हम लोग इनका फादर का हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग डालेंगे, ठीक है, इनका फादर का आधार नंबर। और यहाँ पे डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इनका फादर का जो है डेट ऑफ बर्थ हम लोग इस तरह से जो है डाल लेते हैं और फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह से। उसके बाद ये आप लोग को जेंडर पूछा जा रहा है यानी कि ये मेल है, यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं। ये बच्चा का जो है डेट ऑफ बर्थ है और ये आप लोग जो है चिल्ड्रेन का जो है जेंडर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग फीमेल डालेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है फादर नेम है तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग दर्ज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैटेगरी दिया गया है, कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोग जो कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है रिलीजियस माइनॉरिटी आप लोग को जो है नो करनी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद यहाँ पे जो है बच्चा का जो है हाइट और वेट आप लोग को डालनी है तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सबमिट मारेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डालते हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को ये बच्चा का जो है रजिस्ट्रेशन हो गई और ये लाभार्थी आप लोग को माइग्रेट भी हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक हो जाएंगे, गो टू होम पे हम लोग क्लिक करके बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद फिर से हम लोग बेनिफिशरी में आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। इस तरह से फाइल खुलती है। खुलने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोग को चिल्ड्रेन में जो है 8 ही दिख रही है और लैक्टेटिंग मदर में 9 दिख रही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग एक बार रिफ्रेश मार लेंगे, ठीक है। जैसे रिफ्रेश मार लेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक हो जाते हैं, ठीक है। बैक होने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को यहाँ पे चिल्ड्रेन भी 9 हो गई। यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए कि आधार वेरिफिकेशन नहीं हुई है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे जो है आप लोग वेरीफाई मारेंगे। जैसे ही वेरीफाई मारेंगे उसके बाद यहाँ पे आधार वेरीफाई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग का आधार वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ से बैक होंगे। बैक होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल वेरीफिकेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे वेरीफिकेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मोबाइल पे जो है OTP जाएगी 4 अंकों की तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। आप लोग के पास अगर ये मोबाइल नंबर नहीं है तो आप लोग को पास जो भी लाभार्थी के पास मोबाइल नंबर है यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ से सबमिट मारेंगे तो आप लोग को जो है ये नंबर पे जो है 4 अंकों का जो है OTP जाएगी। और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है OTP दर्ज करेंगे, ठीक है, यानी कि आपके मोबाइल पे OTP जाएगा इस तरह से और दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वेरीफाई मारेंगे तो यहाँ से आप लोग को वेरीफाई आसानी से जो है मोबाइल वेरिफिकेशन ले लेगी, यहाँ से आप लोग को सक्सेसफुल ले लेगी।
तो इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे कि 0 से 6 माह तक के बच्चे में जो है यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन भी हो गई। और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि लैक्टेटिंग मदर में जो है अभी मीनू कुमारी के नाम से जो है अभी रजिस्ट्रेशन भी हो गई। यहाँ पे आप लोग देखिए मीनू कुमारी के नाम से रजिस्ट्रेशन भी हो गई। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है। खुलने के बाद अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है व्यू प्रोफाइल इन RCH, यानी कि आप लोग को जो है इस तरह से जो है न्यू अपडेट में आप लोग को RCH के नाम से आई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है नेम, आभा ID, यहाँ पे जो है एक्सपायर डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट, डिलीवरी पैलेस, इस तरह से जो है आप लोग को भर के आएगी। ठीक है, जब आप लोग क्या करेंगे कि RCH फाइल बनाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग RCH रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी आप लोग को यहाँ पे खाली दिख रही है ये आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये भी आप लोग को आधार से करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हमने जो है प्रेग्नेंट वोमेन से जो है अभी लैक्टेटिंग मदर में जो हमने डाला, वो भी आप लोग को जो है माइग्रेट करके। बाद बाकी इसी तरह से जो है आप लोग जितने भी आंगनबाड़ी सेवक का है, इसी प्रोसेस से आप लोग जितना भी लाभार्थी हो आप लोग माइग्रेट करेंगे और लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जो है वेरीफाई कर लेंगे। बाद बाकी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर अपने आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पर कमेंट कीजिए। अधिक से अधिक जानकारी आप लोग को इसी तरह से मिलते रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।